आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। डांडा पानी गल्ला गोदाम पौड़ी के कोटद्वार रोड पर कूड़े के टीन सेट बनाने के विरोध में ग्रामीणों का हल्ला बोल। आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल गल्ला गोदाम कोटद्वार रोड पर पौड़ी के ग्रामीण आज यहां पर कूड़े के लिए बन रहे टीन सेट के विरोध में इकट्ठा हुए। लोगों का कहना है कि यहां पर आसपास में कॉलोनी है, कूड़े के कारण यहां पर प्रदूषण फैलेगा, प्रशासन को यहां पर योगा घर यहां अन्य चीज बनानी चाहिए जिससे यहां से पलायन न हो सके। गाँव वालों का कहना है कि हम यहां पर किसी भी कीमत पर कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। सोचने वाली बात है कि इस पूरी बस्ती में कई घर हैं और फिर भी यहां पर कूड़ा घर बनाया जा रहा है। जब नगर पालिका अध्यक्ष यशवाल बेनाम से पूछा गया तो उनका कहना है कि वह यहां पर ऐसा नहीं होने देंगे। विरोध में ज्ञानदीप चौधरी, कमल नंदा देवी, कुलदीप आदि मौजूद रहे। TNN के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। या लोग आ रखे हो, ढूंढ रहे हैं आपको। अच्छा, उसमें बंद है तो यहाँ पे लोग विरोध क्यों हो रहा है? जमीन है, मकान बनेगा। अच्छा, मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 11 का सदस्य हूँ, मूल निवासी हूँ। यहाँ पे हमारा गांव है, इतने साल हो गए, इतनी सरकारें आई गई, 1.5 किलोमीटर नजदीक मेरा गांव है, लेकिन आज तक वहाँ पे रोड नहीं गई। और आज यहाँ पे हम, यहाँ पे जमीन हमारी गाँव वालों की, यहाँ पे हमने गोदाम के लिए जमीन दी है, कॉन्वेंट स्कूल के लिए जमीन दी हुई है, कुछ लोगों ने यहाँ पे जमीने ली है। यहाँ पे पूरा आवासीय एरिया BJP का, यहाँ पे 2.5 करोड़ की लागत से ऑफिस बनने वाला है। इसका हाल ही में भी उद्घाटन हुआ था। पर्यटन उत्तराखंड के सारे नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए थे, मुख्यमंत्री था। उसके बावजूद भी ये एक ऐसा एरिया है पौड़ी का जहाँ पे लोगों का आना जाना पर्यटक दृष्टि से बहुत बड़े। यहाँ पे सामने हिमालय पर्वत है, लोग व्यू के लिए यहाँ पे आते हैं। और इन्होंने यहाँ पे 18 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कचरादान रिसाइकिल, जिसमें जूठा खाना गिरेगा, प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, जो कि अध्यक्ष साहब ने मुझे बताया कि हर वार्ड में बनेगा। हर वार्ड वालों ने उनको मना कर दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जबरदस्ती, पहले ये बोला कि यहाँ पे छतरी बनेगी, यात्री सेट बनेगा, हमने मदद की, हमने पत्थर दे रहे, लेकिन अभी क्या वो मुकर गए, अभी आ ही नहीं रहे ऑन द स्पॉट, आ ही नहीं रहे बात करने के लिए। तो आगे आपकी क्या वो है कि अगर न प्रशासन आ जाए कि कहीं बाहर बना लो, कहीं उसे गजरे में बना लो, पर हमें यहाँ पे नहीं मांग, क्यों? यहाँ पे प्रदूषण होगा, यहाँ पे हमारे बैठने की जगह है, यहाँ पे गाँव है और हम इस गाँव के रहने वाले हैं, और हमको यहाँ ऐतराज है, कोई बाहर वाला नहीं है। जमीन ले रखी लोगों के रहने के लिए ले रखी है, जमीन ऐसे नहीं रखी, प्रदूषण होगा तो लोग भाग जाएंगे, तो क्या फायदा हमारे यहाँ पौड़ी में? पहले तो हमारा पौड़ी खत्म कर रखा है आप लोगों का, फिर ये है कि यहाँ तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ बन रहा है। हर जगह मोहल्ले में, हर जगह वार्डो में मना किया गया, मल्ली राय में क्यों मना किया ये है? एक तो हमारे यहाँ रास्ता, एक हमारे यहाँ गाँव गाय का रहने वाला घर, आते जाते लोग हैं, फिर हमारे यहाँ जंगल का रास्ता, इस प्रदूषण में रहेंगे हम कितने? आप लोग बोल रहे हो प्रदूषण बंद करो, यहाँ तो इतना गंदगी होगी तो ये बीमारी हमको खुद ही खा जाएगी है, कहाँ हम इस बीमारी से भाग जाएंगे क्या? आप ऐसे करो कि जहाँ कहीं गधेरा है या हमारे गांव का कहीं भी वैसी जगह हम देने को तैयार है, इधर बना लो डांडा पानी की तरफ आगे वहाँ बना लो, मांडा काल की तरफ बना लो, हम शायद सहयोग देने के लिए तैयार है, पर हमारे यहाँ इस बस्ती में मत बना। यहाँ पे मकान है, हमारे गाँव वालों ने जमीन खरीदी और यहाँ पे मकान बन रहा है, उसकी रोड पे उसकी बिल्कुल सेम में आप बना रहे हो, नीचे देखो आप खींच लो, यहाँ से पूरा कैमरा लगा लोगे कितनी बस्ती है, कितनी बस्ती, कितनी परेशान होगी, हमारे कुत्ता मरेंगे, गाय मरेंगे, उसके अंदर डालोगे, ठीक है, ऊपर छत डालोगे, वो सड़क के कहाँ जाएगा? सड़क के तुमने उठाना भी नहीं है, इसलिए हमें इसको बाहर बना लो, हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमको क्यों बीमारी पैदा कर रहे हो? यहाँ पे हमको बीमारी होगी, हमारे लोग प्रदूषण में कैसे रहेंगे? गाड़ी आने जाने वाले सब मुंह बूझ के जाएंगे,
मुंह पूछ के जाएंगे, बीमारी होगी ना, यही होगी। गाय मरती है नगर पालिका में, तुम लोग ट्रक में रख के यहाँ डाल देते हो, गाय मरती है यहाँ डाल देते हो, कुत्ते मरते हैं यहाँ डाल देते हो, ऐसे हमको प्रदूषण नहीं चाहिए, यही है हमको। यहाँ पे जमीन भी है बिल्कुल अभी ही हाल में, उस पर टच कर रहे हैं बिल्कुल, तो हमने भी यही सोचा है कि यहाँ पे कूड़ादान। कौन लोग बनवा रहे हैं? ये नगर पालिका बनवा रही है। अगर ना आपकी बात तो नहीं सुनते तो आगे क्या करेंगे? आगे कार्रवाई करेंगे सर। ये तो बंद तो इसलिए रहा है कि स्वच्छता के यहाँ सफाई रहे, गंदगी शहर में सब पूर्ण हो, लेकिन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा विरोध है कि भाई यहाँ पर हमारे मकान हैं और यहाँ कूड़ा वो बढ़ने के उससे हमारे गंदगी फैलेगी, प्रदूषण होगा, ये लोगों का एतराज है इसमें। तो आप